हाँ भाई, सभी को नमस्कार। बीएससी सेकंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कल मैंने एक असाइनमेंट दिया था और उस असाइनमेंट के अंदर तीन न्यूमेरिकल दिए गए हैं जो कि आपके अभ्यास के लिए थे। उन्हीं न्यूमेरिकलों को आज मैं करने की कोशिश करूँगा। आपको किस प्रकार से करने हैं कोई खास बात नहीं, कोई हार्ड न्यूमेरिकल भी नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। उसमें फर्स्ट जो न्यूमेरिकल था, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल जो था उसमें लिखा हुआ था कि कार्नो इंजन की दक्षता फाइंड आउट करो। कार्नो इंजन की दक्षता आपको फाइंड आउट करनी है जो कि किन तापों के मध्य कार्य कर रहा है, हिमांक और भाप बिंदु के बीच में। यानी कार्नो इंजन है उसकी दक्षता फाइंड आउट करनी है आपको, और ये कार्य कब कर रहा है, एक तो हिमांक, अच्छा, और वह भाप बिंदु के बीच में कार्य कर रहा है, भाप बिंदु के बीच में ये कार्य कर रहा है। तो इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिमांक क्या होता है और फिर बाद में आपका भाप बिंदु क्या होता है। हिमांक यानी बर्फ़ का बनना, ये कब बनती है, ये सबको पता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बनती है। किस पे बनती है, 0 डिग्री सेल्सियस। भाप बिंदु पानी से भाप बनने का यानी क्वथनांक कितना होता है उसका, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक बात है ना, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है। यानी आपके पास में दो टेम्परेचर आ गए। कार्नो इंजन की दक्षता आप आसानी से निकाल सकते हो। टेम्परेचर जो कम होता है वो हमेशा T2 होता है और ज़्यादा होता है वो हमेशा क्या होता है, T1 होता है। ठीक बात है ना। तो अपन लोग जानते हैं दक्षता, दक्षता ईटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - T2/T1। अब देखो कुछ लोग क्या मिस्टेक करेंगे वो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। कुछ लोग सीधा T2 की जगह 0 रखेंगे और T1 की जगह क्या रखेंगे, 100 रखेंगे और 0/100 1 आ जाएगा। ठीक बात ना, जो कि आपका 100% गलत हो जाएगा। यानी ये करेंगे 1 - 0/100, ये करेंगे और ऐसा करते ही 1 आ जाएंगे। 1 आने का मतलब है कार्नो इंजन की दक्षता कितनी होगी, 100% हो गई। और किसी भी इंजन की दक्षता 100% नहीं होती है, ये अपन को पता है। मान लो कार्नो इंजन की दक्षता 100% कब होती है, जब या तो आपका ये T2 0 हो या फिर T1 क्या हो, आपका इन्फाइनाइट हो। ठीक बात है ना। अब देखो इसमें गलती क्या की, गलती ये की अपन ने कि इसको ये डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट कर दी और T1 और T2 जो होते हैं ये परमताप होते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होते हैं। परमताप का अर्थ होता है केल्विन में होते हैं, किस में होते हैं, केल्विन में होते हैं। तो ये नहीं लिखेंगे हम, और अपन क्या लिखेंगे, T1 बराबर आप लिखोगे 100 डिग्री सेल्सियस और इसको आप करोगे 273 केल्विन। फॉर्मूला होता है ना 273+C, एक्यूरेट लिखो तो 273.15 लिखते हैं। फिर बाद में आपका T2 इक्वल टू कितना आ गया, यह है 0 डिग्री सेल्सियस और इसकी जगह आप लिखोगे 273 केल्विन लिखोगे। आया कैसे आपको पता है, मेरे हिसाब से केल्विन को सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो 273+C करते हैं, C+273 बराबर केल्विन में आ जाता है। बहुत ही एक्यूरेट लिखें तो यहाँ पे लिखा आता है 273.15 लिखते हैं। ठीक है ना। आप देखो वैल्यू पुट करते हैं, ये लिखा 1 - T2 की वैल्यू कितनी है, 273/373। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100/373। अब इसका जो भी आएगा ये आपकी दक्षता आ जाएगी, इसका भाग दे के देख लेना जो भी आपका आंसर आता है। उसके बाद में उसके अंदर बात की थी अपन ने क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये लिखा था कि एक क्वेश्चन नंबर 2, 1 ग्राम मोल गैस लेनी है आपको। ठीक बात ना, और उसका समतापी प्रसार करना है। क्या करना, समतापी प्रसार करना है। कब तक करना है, जब उसका आयतन 4 गुना, आयतन कितने गुना हो जाए, 4 गुना। ठीक बात ना, न हो जाए। इस प्रक्रिया के अंदर एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करो, एंट्रोपी में परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। ठीक बात ना। इसके लिए देखो आप कोई खास बात नहीं है, आंसर कैसे निकालोगे वो देखो। सबसे पहले समतापी प्रसार है, समतापी प्रसार के अंदर टेम्परेचर नियत होगा तो क्या कुछ होता है वो अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको एंट्रोपी में परिवर्तन डीएस निकालना है। डीएस का अपना सूत्र होता है DQ/T।
यानी डी क्यू निकालना होगा, डेल क्यू निकालना होगा। तो पहले निकालेंगे कार्य, कार्य W इक्वल टू क्या होता है, आयतन आपका V1 से V2 जा रहा है और इसका सूत्र होता है पी डी वी, क्या होता है पी डी वी होता है। अब देखो एक मोल की जब बात करते हैं तो पी वी इक्वल टू क्या होता है आर टी, अदरवाइज पी वी इक्वल टू एन आर टी करते हैं, यहाँ से P बराबर क्या आ जाएगा आपका आर टी अपॉन V आ जाएगा। तो देखो ये बन गया आपका V1 टू V2 और P की जगह रखा आर टी अपॉन V और फिर डी वी लिखा, आर टी आपका बाहर आ जाएगा और ये बन गया आपका लॉग V और लिमिट क्या कर दी V1 टू V2, जिसका बेस है वो E है, और फिर ये आ गया आपका आर टी लॉग लिमिट रखना आपका आंसर हो जाएगा और ये लिखा V2 अपॉन V1। अगर इसको आधार 10 करो तो 2.303 आर टी और लॉग 10 और V2 अपॉन V1। अब आपको गिवन क्या है कि आयतन आपने चार गुना कर दिया, यदि V1 की वैल्यू आपकी V है तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4V हो जाएगी, तो कार्य वो किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आर टी, ध्यान देना आर टी या 2.303 W इक्वल टू 2.303 आर टी और फिर लिखा लॉग V2 की जगह 4V अपॉन V, V से V कैंसिल, तो ये आ गया आपका 2.303 आर टी लॉग 10 और 4, लॉग 2.303 ये लिखा आर टी, इसकी जो वैल्यू है चार को लिखूंगा दो का स्क्वायर यह आ जाएगा 2 लॉग 10 2 और ये आ गया आपका 2.303 आर टी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 0.3010, ये वैल्यू होगी अपनी W। अब मेन बात अपन को करना क्या है, करना है अपन को एंट्रोपी में परिवर्तन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो अपन लोग जानते हैं दूसरे नियम से ds इक्वल टू क्या होता है डेल क्यू अपॉन टी, ठीक बात ना, समतापी प्रसार के अंदर, समतापी प्रसार के अंदर du बराबर क्या होता है जीरो, और du जीरो होगा तो प्रथम नियम से क्या लिखूंगा डेल क्यू इक्वल टू डेल W या W, अपने क्या था नहीं du और du और डेल W, ये जीरो है तो ये इसके बराबर आ जाएगा, यानी ds बराबर लिखा जाएगा डेल क्यू अपॉन टी। अरे भाई गौर करो, समतापी प्रसार के लिए समतापी प्रक्रम है उसके लिए du बराबर जीरो होता है और du बराबर जीरो इसमें रखूंगा तो डेल क्यू बराबर डेल W आ जाएगा, तो मैंने क्या लिखा W अपॉन टी, W वैल्यू वहाँ निकाल रखी है 2.303 आर टी इंटू यह आ जाएगा 0.6020 और अपॉन में क्या आएगा टी, टी से टी कैंसिल और ये आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। आर की वैल्यू आपको गिवन हो सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह न्यूमेरिकल नंबर 2 अपना हो चुका है। इसके बाद वहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर जो थर्ड दिया था एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, उसके अंदर लिखा था कि प्रूव करो सी वी माइनस सी एल इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी माइनस एल अपॉन टी, ये प्रूव करना था, ठीक है ना। इसके लिए देखो कोई खास नहीं है, अभी आंसर अपन लोग जानते हैं डी एस बराबर क्या होता है डेल क्यू अपॉन टी होता है, डेल क्यू अपॉन टी होता है। डी एस की जगह पर अपने पास में वी फॉर वेपर एल फॉर लिक्विड, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसी को तोड़ के ऐसे लिखें एस वी माइनस एस एल इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही तो है, एस वी माइनस एस एल इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं, ठीक बात ना। अब देखो जब आप अवस्था परिवर्तन की बात करते हो, अवस्था परिवर्तन की, अवस्था परिवर्तन के दौरान डेल क्यू जो है वो बराबर होता है एल के, गुप्त ऊष्मा के बराबर होता है, कब, अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान डेल क्यू बराबर क्या होता है एल होता है,
ठीक है ना। तो देखो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस वी माइनस एस एल इक्वल टू एल अपॉन टी, डेल क्यू इक्वल टू एल लिखा है अवस्था परिवर्तन के दौरान। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल टी, तो ये आ जाएगा आपका डेल एस वी डी एस वी अपॉन डी टी माइनस डी एस एल अपॉन डी टी इक्वल टू, पहले कर देता हूँ एल का, तो वन अपॉन टी डी एल अपॉन डी टी, फिर इसका टी का करेंगे तो माइनस एल अपॉन टी स्क्वायर, कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करूँ तो टी डी एस वी अपॉन डी टी माइनस ये लिखा जाएगा टी डी एस एल अपॉन डी टी इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी माइनस एल अपॉन टी। अब देखो ये टी डी एस अपॉन डी टी, टी डी एस अपॉन डी टी, डी एस क्या था डी क्यू, तो इसी को मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ। देखो अपन लोग जानते हैं कि डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, टी डी एस होता है, जानते हैं ऐसे कुछ है? तो इसकी जगह क्या लिखूँ, ये ऊपर वाला आ जाएगा डेल क्यू, इस समीकरण से देखो यहाँ लिख रहा हूँ डेल क्यू अपॉन डेल टी, अच्छा ऐसे लिखा ना, तो डी क्यू अपॉन डी टी कब, जब कॉन्स्टेंट कौन है वी, इसी को ऐसे लिखूँगा डी क्यू अपॉन डी टी, कॉन्स्टेंट कौन है एल इसमें, और बराबर आ गया आपका डी एल अपॉन डी टी माइनस एल अपॉन टी, और ये किसके बराबर है, विशिष्ट ऊष्मा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वेपर प्रेशर, इसके बाद में लिखा सी एल, अच्छा सी एल क्या है, लिक्विड के लिए विशिष्ट ऊष्मा है, और ये आ गया आपका डी एल अपॉन डी टी माइनस एल अपॉन टी। तो इस प्रकार से अपना पू होता है एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, धन्यवाद।